सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेलो मैथ्स एसएस को और बेल आइकन को भी दबाएं मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चैनल हेलो मैथ एसएस। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग एडिशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। 34.76 + 43.62 ये क्या है जी, डेसिमल नंबर्स है। तो किसी भी डेसिमल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि वो लाइक डेसिमल में है या नहीं। अगर लाइक डेसिमल में है तो ऐड कहेगा तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कहेगा तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर वो अनलाइक डेसिमल में रहेगा तो पहले हम उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ध्यान देंगे इसमें ए लाइक में है या नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका डेसिमल पार्ट जो है, टू डिजिट यहाँ भी है, टू डिजिट यहाँ भी है, इट मीन्स ये लाइक डेसिमल में है। किस चीज में है जी, लाइक डेसिमल में है। मतलब क्या, डेसिमल पार्ट का जो नंबर है 1 2 टू डिजिट है, यहाँ पे भी नंबर कितना है जी 1 2 टू डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे इसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 34.76 यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मैंने लिखा है, इसके बाद इसके नीचे दूसरा वाला जब नंबर हम लिखने जाएंगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट डालेंगे। पॉइंट कहाँ डालेंगे जी, पॉइंट के नीचे। तो इस तरह से हमने यहाँ का पॉइंट यहाँ डाल दिया। पॉइंट के पहले क्या है 43, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 43, यहाँ पे है 62, तो क्या लिख दिए 62, राइट। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या देखना है, जैसे सिंपल एडिशन आप करते हो, आप वैसे ऐड कर सकते हो। 62 यहाँ पे 8 हो गया, 7 6 13 का 3 रह गया 1, उस 1 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है तो हम क्या डाल देंगे जी, पॉइंट डाल देंगे। 4 3 7 1 8, फिर 3 4 यहाँ पे 7। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि लाइक डेसिमल में था और इसको मतलब डेसिमल नंबर है, इसको ऐड करने पे क्या आया 78.38 आया। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स को अगर वो लाइक में है तो कैसे ऐड करते हैं, इस चीज को आप समझ लिए, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे आप लोग ऐड करने के लिए। एग्जांपल नंबर 2, मैंने लिख दिया 41.7 + 23 + 43.215। अब इसको हम लोग को क्या करना है जी, ऐड करना है। इसको ऐड करने से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइक डेसिमल में नहीं है, ये किस चीज में है जी, अनलाइक डेसिमल में है। अनलाइक डेसिमल में है कैसे हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट इसमें है ही नहीं, ये क्या है जी, होल नंबर है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, कितना डिजिट है जी, 3 डिजिट है। मतलब ये किस चीज में है, इसका डेसिमल पार्ट जो है उसका नंबर सेम नहीं है, इट मीन्स ये किस चीज में है, अनलाइक डेसिमल में है। तो अनलाइक डेसिमल में है तो पहले हम लोग इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो ध्यान देंगे इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल पार्ट है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर कितना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, एक डिजिट है, मतलब 1 नंबर है। यहाँ पॉइंट इसमें है ही नहीं, इसमें पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, कितना नंबर है जी, 3 नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर वाला क्या है जी, मैक्सिमम नंबर क्या है डेसिमल पार्ट का, तो 3 है, कितना है 3 है। इट मीन्स क्या, इसको लाइक में करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि सारे नंबर में डेसिमल पार्ट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि 41.7 डेसिमल पार्ट 1 ही है, हमको 3 हमको कितना लिखना है जी, 3 लिखना है डेसिमल पार्ट, जिसमें 1 दिया हुआ है, 2 और लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 जीरो बैठा देंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि होल नंबर दिया है 23, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे इसमें डेसिमल डाल के, और कितना हमको डेसिमल पार्ट चाहिए, तो 3 डिजिट का चाहिए, तो 3 जीरो लगा देंगे,
राइट। फिर इस हम लोग इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए आपका डेसिमल पार्ट में, मतलब ए इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ऑलरेडी 3 डिजिट का है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको एक अनलाइक को किसमें कन्वर्ट किया, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। कैसे किया तो हम लोग देखेंगे कि डेसिमल पार्ट का संख्या मैक्सिमम कितना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो सबको कितना में डिवाइड, कितना में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल पार्ट को, तो 3 डिजिट का। तो यहाँ पे हम लोग 3 तो था ही, यहाँ पे 1 डिजिट था, 2 जीरो बैठा दिए, 3 डिजिट हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, डेसिमल देखिए 3 जीरो बैठा दिया, मतलब 3 डिजिट यहाँ भी हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 41.700, 23.000, 43.215, राइट। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पॉइंट चल रहा है, उसके बाद 3, 3, 6, 1, 7, 4, 2, 6, 4, 10। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसको ऐड करने पे कितना आया, 107.915, राइट। अब इसको मैं क्या किया यहाँ पे कि पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करके तब ऐड की हूँ, आप लाइक में डायरेक्टली कन्वर्ट करके यहाँ लिख सकते हो और फिर इसको आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप अगर लाइक डेसिमल में है तो भी ऐड कर सकते हो, अगर वो नंबर अनलाइक डेसिमल में है तो लाइक में कन्वर्ट करके बिल्कुल सिंपल वे में उसको आप ऐड कर सकते हो, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ध्यान देंगे आप लोग सबट्रैक्शन की तरफ, और इसमें क्या देखना है कि डेसिमल नंबर्स को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक क्वेश्चन नोट कर दे रही हूँ यहाँ पे, सबट्रैक्ट 43.71 फ्रॉम 59.21, राइट। ये क्या जी डेसिमल नंबर्स है, तो डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लाइक डेसिमल में है या नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल पार्ट 1, 2, 2 डिजिट का है, यहाँ भी 1, 2, 2 डिजिट का है, मतलब डेसिमल पार्ट का जो नंबर है वो दोनों तरफ कितना है जी 2, 2 है। तो ये लाइक डेसिमल में है तो इसको डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, इट मीन्स क्या, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ये क्या है जी 59.21, राइट। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 43.71 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे सिंपल आप लोग सब्ट्रैक्शन बनाते हो होल नंबर का, वैसे आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 में से 1 यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या, जैसे सिंपल सब्ट्रैक्शन आप लोग करते हैं, यहाँ से हम लेंगे 12 हो गया, 12 में से 7 किया तो 5, यहाँ पे पॉइंट चल रहा है तो पॉइंट हम लिख देंगे, राइट। फिर यहाँ पे कितना रह गया था 8, 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5 हो गया, और 5 में से 4 तो 1। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट क्या आया 15.50, या आप इसको लिख सकते हो 15.50 का रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। तो क्या लिख सकते हो 15.50 या फिर 15.5 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से लाइक डेसिमल वाला जो भी नंबर रहेगा आप इस तरह से डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक और ध्यान देंगे, एक और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एग्जांपल नंबर 2 समझाने के लिए ध्यान देंगे इस पे कि मैंने यहाँ पे लिखा 51.92 फ्रॉम, मैंने यहाँ पे लिख दिया 74, क्या लिख दिया जी 74। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हो गया डेसिमल नंबर और ये हो गया होल नंबर, क्या हो गया जी होल नंबर, आई मीन नेचुरल नंबर भी इसको आप बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि ये डेसिमल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो ये अभी क्या देखा हमने कि इसमें डेसिमल पार्ट है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अनलाइक में है, किसमें है जी अनलाइक में है। तो इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, लाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डेसिमल पार्ट है, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो हम लोग को खुद से डेसिमल पार्ट इसमें डालना होगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, 74 यहाँ पे डेसिमल पार्ट कितना है 1, 2, डेसिमल पार्ट का नंबर कितना है तो 2 है, इसमें भी हमको डेसिमल पार्ट, अगर डेसिमल लगाना है डेसिमल में लगाएंगे तो कितना पार्ट यहाँ पे डेसिमल पार्ट लिखेंगे 2 डिजिट का। तो क्या लिख देंगे हम लोग, कुछ इसमें नहीं दिया है तो खुद से 0, 0, राइट। अब इसमें से हमको इसको घटाना है, किसको घटाना है जी 51.92 को, तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्ट अब कर लेंगे।
इसमें डेसिमल नहीं था तो हम लोग खुद से डेसिमल देंगे, और यहाँ डेसिमल पार्ट का नंबर 2 डिजिट का है तो डेसिमल पार्ट यहाँ पे भी हम लोग कितने डिजिट कर देंगे, कितना डिजिट लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 यहाँ पे डाल देंगे, मतलब डेसिमल पार्ट का नंबर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 8 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ 3 1 गया तो 2 और यहाँ पे 2। इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट किया हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि क्या आ गया 22.08, राइट। तो ये अनलाइक डेसिमल में था, इसमें डेसिमल था ही नहीं और इसमें डेसिमल था, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले लाइक डेसिमल में करेंगे, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट डाल के और इसमें हम लोग डेसिमल डाल के और क्या करेंगे कि जितना डेसिमल पार्ट का नंबर यहाँ पे है उतना 0 हम लोग इसमें बैठा देंगे, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ध्यान देंगे आप लोग मल्टीप्लीकेशन की तरफ, डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अब इस पे ध्यान देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना जरूरी नहीं है कि वो लाइक डेसिमल में है या अनलाइक डेसिमल में है, वो लाइक डेसिमल में हो या अनलाइक डेसिमल में हो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रही हूँ, 31.5 × 2.4, इसको क्या करना हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो आप लोग वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी, इसमें पॉइंट कहाँ है यहाँ, इसमें पॉइंट कहाँ है जी यहाँ है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या देख रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई आप होल नंबर का करते हो वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये इतना आगे कितना है 7560। अब बच्चों का कंफ्यूजन इसमें इस बात का रहता है कि पॉइंट कहाँ डाले, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने पे उसमें पॉइंट कहाँ रहेगा इस बात का कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए ध्यान देंगे। इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जितना डेसिमल पार्ट का नंबर है उसको काउंट कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे दोनों का, और फिर उतना काउंट डिजिट काउंट करके राइट साइड से हम लोग क्या डाल देंगे जी पॉइंट डाल देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है जी, डेसिमल पार्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, 1 कितना हो गया 2, मतलब क्या डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे तो 1, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1। तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में के डेसिमल के बाद जो डिजिट रहेगा उसका नंबर जो रहेगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 1 2 हो गया। इट मीन्स क्या, हम लोग का जो आंसर जो हम लोग का रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने पे उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि राइट से 2 डिजिट काउंट करके क्या डाल देंगे हम लोग पॉइंट डाल देंगे, राइट। तो ये क्या हो गया 75.60, या आप पहले ये भी लिख सकते हो 75.6, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो 31.5 है मल्टीप्लाई 2.4 है, तो यहाँ के पॉइंट को आप रिमूव कर सकते हो, यहाँ के पॉइंट को रिमूव करने के लिए नीचे क्या डाल देंगे 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट था तो 1, तो कितना 0 डाल देंगे 10। फिर यहाँ के पॉइंट के रिमूव करने के लिए 1 डाल दिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है तो 10, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 7560, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ गया 100। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं जी, कैंसिल हो गया 10 से 10। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं 756 है, नीचे कितना 0 रह गया 10, तो राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके क्या डाल देंगे पॉइंट। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, आंसर क्या देख रहे हैं 75.6। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना सकते हो या पॉइंट को रिमूव करके यानी इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करके फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक और एग्जांपल देखेंगे आप लोग, एग्जांपल नंबर 2। इसके लिए मैं क्या क्वेश्चन नोट करी 4.316 × 100, क्या मैंने किया यहाँ पे 4.316 × 100। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इस पर ध्यान देना, अगर यहाँ पे 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, मतलब हम मल्टीप्लाई जिस नंबर से कर रहे हैं इसमें तो उसको हम लोग क्या दे दें कि दोनों में से कोई एक नंबर क्या रहे जी 10
या 10^n के फॉर्म में रहे। इट मीन्स क्या, 10 या फिर 100,000 मतलब 1 पे 10, 20, 30, 50 इस तरह का कोई भी नंबर रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको लिख लिए और हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट यहाँ पे है। पॉइंट कहाँ है जी, यहाँ पे है, बट हम लोग जीरो कितना दिख रहे हैं यहाँ पे, 00 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 पे कितना जीरो है, तो 2 जीरो है, तो पॉइंट जहाँ है वहां से 2 डिजिट राइट साइड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा जी, राइट साइड की तरफ, मतलब पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से 2 डिजिट राइट गया, इट मीन्स द पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ गया, 431.6 राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पॉइंट को रिमूव करके, यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, नीचे क्या देख रहे हैं, पॉइंट के बदले यहाँ पे 1 डाल दिया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, तो कितना जीरो बैठा देंगे जी, 30 राइट, मल्टीप्लाई चल रहा है यहाँ पे 100। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 डिजिट 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4,316, अब आई क्या आ गया, 10। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है, तो 10 है, इट मींस क्या, राइट साइड से 1 to 10 है, इट मींस राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके क्या डाल देंगे हम लोग, पॉइंट। और इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ गया, 431.6 राइट। तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्मेट, फ्रैक्शन के फॉर्मेट चेंज करके उसके बाद इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो राइट। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं। अब ध्यान देंगे आप लोग डिवीजन की तरफ, और इसमें क्या देंगे, देखेंगे आप लोग कि डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करने से पहले ये देखना जरूरी नहीं है कि वो लाइक डेसिमल में है या अनलाइक डेसिमल में है, वो लाइक डेसिमल में हो या अनलाइक डेसिमल में हो, हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रही हूँ। इसको क्या करना है जी, डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे। काफी आसानी से डिवाइड कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे, इट मींस पॉइंट बढ़ा के मैंने 1 डाल दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20, डिवाइड तो डिवाइड 1.9 है, इसको हम लोग क्या लिख दिए, 19/10 राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, तो 19/10 का क्या हो गया, 10/19 राइट। यहाँ 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। अब हम देखेंगे कि इससे डिवाइड करने पर कितने बार में कट रहा है, तो हम लोग कहीं भी साइड में डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कट गया कितने बार में जी, 888 कितने बार में कट गया, 888 राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि रिजल्ट हम लोग का क्या आया, तो यहाँ पे आ गया 888/10, नीचे क्या चल रहा है, 10, तो इस 10 इसको हमको डेसिमल फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, नीचे 1 के बाद 10 है, मतलब यहाँ पे कितना जीरो है जी, 10 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके क्या डाल देंगे, पॉइंट डाल देंगे। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आया, 88.8 राइट। अब ध्यान देंगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2, एक और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस पर ध्यान देंगे, 1.92 डिवाइडेड बाय 1000 राइट। तो इसको डिवाइड करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, तो पहले डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे 192 आप लिख दीजिए, और हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 1 पे 30 है, मतलब क्या, 10
हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ऐसे हमने बताया है। मल्टीप्लीकेशन में भी फिर हम डिवाइड में बता रहे हैं यहाँ पे कि वन पे अगर जीरो चल रहा है, एक दो तीन चार पाँच या कितना भी जीरो चले तो उसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या देखेंगे जी कि यहाँ पे कितना जीरो है, वन टू थ्री। तो पॉइंट जहाँ था वहाँ से थ्री डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा जी? थ्री डिजिट लेफ्ट साइड में। मल्टीप्लीकेशन में मैंने क्या बताया है कि पॉइंट जहां था वहां से जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट राइट साइड में जाएगा, राइट। बट डिवाइड में क्या होगा कि पॉइंट जहां है वहां से जितना जीरो है उतना डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट। तो कितना जीरो है यहाँ पे, वन टू थ्री। पॉइंट यहाँ था, इट मीन्स थ्री डिजिट किधर जाएगा जी, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट यहाँ था, तो यहाँ से एक डिजिट तो दिया हुआ है, दो डिजिट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, दो जीरो। आप क्या देख रहे हैं पॉइंट यहाँ से, वन टू थ्री डिजिट किधर आ गया, लेफ्ट साइड की तरफ आ गया, राइट। तो हमने क्या देखा कि डिवाइड करने पर आंसर क्या आया, जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नाइन टू, राइट। इसको आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी चेंज करके बना सकते हैं, जैसे 192 बाई क्या हो जाएगा 100, पॉइंट को मैंने 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद डबल डिजिट था तो डबल जीरो। फिर डिवाइड हम लोग क्या देख रहे हैं, 1000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 192 बाई 100, इसको डिवाइड है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 192 मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो 192, नीचे क्या देख रहे हैं 100 मल्टीप्लाई 1000, तो 1 2 3 4 5 कितना जीरो हो जाएगा जी, 50, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे, तो 192 तो मैंने लिख दिया, डिजिट जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 0 नीचे है, तो 5 डिजिट राइट साइड से काउंट करके हम लोग क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट तक दिया हुआ है, और कितना डिजिट हमको देखना है जी, 5 डिजिट राइट से लेफ्ट के साइड में। तो दो टू डिजिट नहीं दिया है और टू डिजिट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो टू को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टू जीरो बैठा देंगे, फिर यहाँ पे क्या डाल दिए, पॉइंट। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे 1 2 3 4 5 0 है, कितना जीरो जी, 50 है, तो राइट साइड से 5 डिजिट काउंट करके क्या डालेंगे, पॉइंट। तो 1 2 3 डिजिट दिया हुआ था, टू डिजिट नहीं दिया था, तो हम लोग खुद से क्या डालेंगे, जीरो, और फिर क्या डालिए यहाँ पे, पॉइंट, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.00192, राइट। तो इस तरह से आप अगर डिवाइड आपका दिया हो डेसिमल में तो कैसे उसको डिवाइड करेंगे, इस चीज को मैंने बता दिया, इस प्रोसेस से आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करना। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।